तुसी देख रहे हो माशाल्लाह की रिजल्ट आया था। ये पत्तियां वाली खाद का सारा रिजल्ट आ। ये तो मैं छोटे छोटे जड़े इहदियां रूटां सी उन्हां तों जड़े गमले बनाए मैं वह भी तुहानूं दिखाउंदा कि वह किस तरह के। ये मेरे को 12 इंच का गमला वा। आ जिहड़ा तुसी पौधा देखदे हो कुवार गंदल का, ये बिल्कुल छोटा जिहा सीगा, बिल्कुल छोटा जिहा सीगा, पर इहदे नाल 6 महीने पहले लाया सी मैं। इहदे नाल इहदियां 3 ब्रांचां निकलियां वा, 1, 2 आ छोटी जी 3। जिहड़ा इस तो पहले वड्डा गमला मैं तुहानूं दिखा रहा सी उहदे तों मैं किन्नियां रूटां कढ़ियां ने ते किन्ने गमले तैयार कीते ने नवें मैं तुहानूं दिखाउंदा। जिद्दां कि आ तुसी देखदे हो प्लास्टिक दे गमले ने, 5-5 इंच दे, 4.5-5 इंच दा। आ 15 दिन पहले लाइया सीगियां, उम्मीद बड़ी इंशाल्लाह कि सर्दी तो बाद जो मौसम ठीक होगा ये भी ग्रो करना शुरू हो जाएगा, पर ये थोड़े थोड़े सड़ गए ने बाहरली जी रूट आ, वड्डियां रूटा सीगियां कमला आ गई या सड़ गई, पर उम्मीद बड़ी है चल जाएगियां। इस तो बाद आ सामने देखने तुसी ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो होया पौधा, ये भी कुवार गंदल का वा, इनू तकरीबन महीना हो गया लगाए। बाकी धनिया भी माशाल्लाह ठीक आ। उस तो बाद पुदीने के 2 मैं पौधे लाए सके, गमले लाए सके। आ कोई फुल की पनीरी है, आ प्याज लगा हुआ वा, तो आ प्लास्टिक दे अपना बॉक्स के पुदीना भी लाया। अस्सलाम वालेकुम, तुसी देखदे हो मेरी स्टोरी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करदा तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। तो मैं होया जी अज अपनी छत के उपर। मैं वीडियो का टाइटल तो तुहानू पता लग गया होना वा कि मैं छत पर आया हुआ, वेस्ट जी सब्जी वगैरह होंगी आ देखो जो तुसी देखदे हो। ये मेरे को उपर कोई अपना ड्रम 2-3 खाली पे सके, तो मेरे पिछे जो पौधा देखते हो ना ये दूसरी मंजिल तक पहुँचा। अगे गांह जो मौसम होना पत्त झड़ता, ये कई पत्ते झड़ने ने ते कई पुंगरने ने कई नवे निकलने ने, मैं वो जिनी वेस्ट होंगी है सारी कट्ठी कुट्ठी कर लेना वा। तो ये मैं खाद बनाऊँगा जो मेरे को नीचे पौधे ने इन्हों की नशो नमा वास्ते। खाद बहुत जरूरी आ क्योंकि जी कैमिकल वाली खाद आवेंगे तो वह रिजल्ट भी इस तरह नहीं होना वा। यद रिजल्ट बहुत अच्छा होंगे, इस करके मैं घर ही बना रहा होममेड खाद। तुम भी बना सकते हैं, तरीकाकार मैं तुम्हें दस दवा। जिदा कि तुम आज छापर देखते हैं ना, ये 2 दिन पहले भी ये सब्जी है। मैं अपने घर कहा कि इनू तुम बास्कट च नहीं सीटना, जी सब्जी की वेस्ट हो छापर पा के रख देनी है। तो वास्ते इनू पहले 2 दिन वास्ते मैं रखे इन छापर के, तुम पता सर्दी हैगी स्मैल समुल भी आ रही थोड़ी बहुती। तो मेरे को जिदा तुम देखते ना 2 ड्रम खाली है, 1 च बोरा वा थोड़ा जहा पानी आ, तो यदि सारी वेस्ट जी मैं सारी ये पा दी। ये आ जी मटर के छिलके, कोई मेथी के पत्ते, तो गाजर की वेस्ट आ, छिलकिया की वेस्ट आ। ये थोड़े दिन बाद सुक जाने सड़ जाने ने। उस तो बाद मैं लिया जी 1 बोरा 20 किलो वाला, तुम लै सकते 10 किलो वाला जो आटे वाला बोरा हों, 20 किलो वाले की पैकिंग होंगी है, तुम कोई भी बोरा लै सकते हैं। ये है जी मेरे को वेस्ट आ, मेरे पिछे जो पौधा देखते हो ना ये वेस्ट आ, देखने ये सड़े ने पत्ते सारे, पहले उन्होंने खुश कर लिया सी। उस तो बाद मैं थोड़ा जहा पानी लिया, 5 लीटर पानी लिया वा, तो पत्ते सारे जड़े ना बोरे पा के, तो मैं ये बीज भी ने इस पौधे के बीज भी ने मैं ये रखते हैं। थले सारा हो गया गिला, पानी का रंग भी बदल चुकया वा, इन्हें सड़ता रहना इस तरह ही पानी उत्ते तक आ जाना वा। कुछ टाइम ऐसा होना इन्हें स्मैल भी मारनी इस पानी ने, तो ये कीड़े भी पै सकते ने, जो कीड़े पै जाने ने उदों ही साडा जिहड़ा इहदा सिस्टम सारा सीधा होना, उदों ही इन्हें ग्रो करना वा, उदों ही इन्हें अपना सारा जिहड़ा तरीकाकार ना इहदा डीकंपोज होना वा। तो पानी उपर तक आऊगा, जिहदे विच कीड़े पै जाणगे इहनू कढ लांगे बाहर। फिर कोई छत इस तरह की जिदा तुहाडे हर छत के उत्ते जगह होंदी तुहानू पता, इदा की खुली स्पेस दे आके जिथे धुप छुप भी होंदी इहनू उत्ते पा देना, तो बिल्कुल ये मिट्टी तरह हो जानी है। फिर पौद्या च पानी आ, फिर बेहतरीन रिजल्ट होना। तो
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਕਰੀਬਨ 80-90 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਤੇ ਨੇ 5-6 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ 2-2.5 ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸਾਰੀ, 2-2.5 ਕਿਲੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੇਸਟ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਕਿਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 40-50 ਗਮਲੇ ਨੇ ਅਤੇ 5-6 ਕਿਲੋ ਖਾਦ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਬਹਾਰ ਦਾ, ਖਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ੋਨੁਮਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੇਜ ਹਨ ਜੇ ਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਘੱਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ ਪੱਤਝੜ ਦਾ, ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਅੱਜ 15 ਤਰੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਔਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੋਨੁਮਾ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੇਸਟ ਕੋਈ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੌਦੇ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।